एक्सपैंड होता है, एयर क्या होता है एक्सपैंड मतलब फैलता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम इस बैलून पे जैसे माचिस मारेंगे, ठीक है ना, फट गया, फट गया। लेकिन अरे दीजिए जी आप ये वाला जो है इस केस में देखिएगा, टेंशन मत लीजिए, इसमें काला भी हो गया फिर भी नहीं फट रहा, आई नहीं फटेगा। आप कहेंगे सर एक और बात, अब देखिए कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फट गया था, कितना भारी फट गया था, नहीं फट रहा, आई नहीं फटेगा। देखिए काला भी हो गया, देखिए ऐसा नहीं हो गया ना, तो ये काला भी हो गया लेकिन फिर भी नहीं फटा। इतना देर तक दो माचिस को भी जो तली में टच कर बड़ा मजा आ गया है ना। तो देखिए बात यहाँ ये हुआ वीडियो में कि जैसे उसमें जो फर्स्ट वाले केस में बैलून था उसमें क्या हवा जो है बोले एक्सपैंड करता है फैलता है, अब गर्म हवा और तेजी से फैलता है, किसी चीज को गर्म करते तो क्या फैलता है, और समझे तो उसमें जैसी जो हवा था बैलून में पहले वाले केस में तो हवा तो ऐसे भरा होता, अब गर्म करेंगे तो क्या और फैलेगा, तो वही फैला ना, अब बैलून का पता लेयर था तो क्या उसको सह नहीं पाया और क्या हो गया फट गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखिए इसके अंदर पानी है, पास में ये पानी जो है यहाँ से जितना भी आप एनर्जी दे रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं, उस समय एनर्जी कौन ले रहा है वाटर, अब वाटर एनर्जी क्या वो अपनी को गर्म करने में ले रहा है, पानी ठंडा है ना तो एनर्जी जो है अपने को गर्म करने में ले रहा है, इसलिए ये जो लेयर है मतलब ये क्या फट नहीं रहा। जब पूरा पानी गर्म हो जाएगा ना, बस समझिए जब तक पूरा पानी गर्म हो जाएगा टेम्परेचर पे उसके बाद ये भी फट जाएगा, और समझिए ये जो जो भी हम हीट दे रहे थे इसको तो ये हीट कौन ले रहा था वाटर, टच कर रहे थे वाटर, जैसे इसमें कॉन्टेक्ट में है पानी क्या हो रहा है उसकी गर्मी को लेकर एकदम फट गया अपने अंदर में, इसलिए क्या नहीं हुआ फटा नहीं, और उसके समय फट गया क्योंकि उसमें सिर्फ हवा ही था, हवा और एक्सपैंड फैल जाता है, फिर इसमें हवा नहीं है, हवा है यहाँ पर देखिए बात समझिए यहाँ पर लगाएंगे बड़ा से फट जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे पानी यहाँ फट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है पानी एनर्जी कौन ले रहा है हीट कौन ले रहा है, इसलिए नहीं फट रहा था।